गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। क्या बात है भाई, दिवाली के बाद कैसे जोश ठंडा पड़ गया? सर, एक बार और? नहीं, ठीक है। सो वेलकम बैक आफ्टर ए लॉन्ग दिवाली ब्रेक। होपफुली आप सब लोगों ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी और सेफली मनाई होगी। नहीं मनाई, तोड़ फोड़ कर दी है तो चोट वोट लग गई तो तोड़ फोड़ कर दी। भाई तोड़ फोड़ वाली दिवाली क्यों करते हो? दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ हैप्पीनेस, उसमें खुशियां बांटो, क्या लड़ाई झगड़े करते हो? चलो आइए। तो कल हमने जस्ट आफ्टर यू अराइव हियर आफ्टर योर दिवाली डे, हमने आपको एक झटका दिया था। उस झटके का अभी देखते हैं कितना प्रभाव पड़ा है ना। तो वो झटका था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, एंड ये तो क्वाइट अंडरस्टूड था और क्वाइट एक्सेप्टेबल था कि आप आते ही टेस्ट देंगे ही देंगे, क्योंकि जब हम जा रहे थे वैसे तो ये टेस्ट पहले ही शेड्यूल था, बिफोर दिवाली ब्रेक के शेड्यूल था, बट आप लोगों ने कहा कि नहीं अब छुट्टियां दो छुट्टियां दो छुट्टियां दो, तो भेज दिया आपको। तो अब आओगे तो दोगे ही दोगे, तो वैसे आप चाहते तो कुछ दिन इसकी तैयारी कर सकते थे। फिर भी एक थोड़ा सा टाइम 4-5 घंटे का और दिया मैंने कि सुबह ना आके शाम को आ जाओ। ठीक है, अब बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? सुना होगा ना डायलॉग? नहीं सुना भाई? आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अरसों, देना ही देना तो है ही सही। कितने दिन टालोगे उस बात को, है ना? नहीं टाल सकते, ऐसा तो इन्हीं के बिल टल ही जाएगा वो। चलिए आइए, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कृतिका कनेक्ट द पाइप, ये हमने लास्ट में जाते जाते किया था, एंड यू विल ऑल से कि ये सर आउट ऑफ द कोर्स है, बोलोगे ना? तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन हमेशा जो आउट ऑफ द कोर्स, जो एक्सरसाइज ऑमिट हो गई, अगर वहां से अगर कोई क्वेश्चन है तो साथ में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ऑप्शन में दे दिया है जो आपके कोर्स का पार्ट है। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि टोटल क्वेश्चन ही हमारा आउट ऑफ द कोर्स है। अगर आपसे ये नहीं होता तो आप ये तो कर सकते हो, तो फ्रॉम द कोर्स है ये तो ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला वाला किसने अटेम्प्ट किया था? और ये हमने जाते जाते किया था, इजी था। देखो, कृतिका कनेक्ट द पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन अ फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डेप्थ। A water flows through the pipe at the rate of 3 km/h. In how much time will the tank be filled? तो हम दो ऑब्जेक्ट्स का, 3D ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम इक्वेट करने वाले हैं, और वो दोनों जो 3D ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे हैं? देखो, डायमीटर है और साथ में डेप्थ है, तो दैट मीन्स क्या होगा? सिलेंडर होगा, होगा नहीं होगा बताओ। देखो यहाँ पे साफ-साफ गिवन भी है, सिलेंड्रिकल टैंक, और पाइप तो वैसे भी सिलेंड्रिकल ही होता है, Yes. पाइप तो वैसे भी सिलेंड्रिकल ही होता है, अंडरस्टूड है। और टैंक कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसने क्लियर कर दिया, क्या क्लियर किया कि पाइप भी कैसा है, टैंक भी कैसा है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, तो अब यानी कि सिलेंडर के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम से ही इक्वेट करना है, एंड कुछ मिसिंग कॉम्पोनेंट्स है जो अपने को निकालने हैं। सो लेट्स से जो टैंक है उसके कॉम्पोनेंट्स को अपन कैपिटल लेटर से डिनोट कर देते हैं, जो पाइप है उसके कॉम्पोनेंट्स को अपन स्मॉल लेटर से। तो स्टेप्स ना लिखते हुए सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं। तो दोनों का वॉल्यूम इक्वेट करना है, वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये करेंगे। वॉल्यूम ऑफ टैंक मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होता है फॉर्मूला वाइज, लेकिन यहां पे हम कर देते हैं कैपिटल लेटर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हम कर देते हैं स्मॉल लेटर पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। ठीक है, हो गया इक्वेट। सो पाई का तो कोई रोल ही नहीं बचा, पाई से पाई तो एज इट इज कैंसिल आउट हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, तो सिलेंड्रिकल टैंक की डायमेंशन यहाँ लिख दो। सिलेंड्रिकल टैंक जो है वो 10 मीटर डायमीटर है और 2 मीटर उसकी गहराई है। तो 10 मीटर अगर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा बोलो? 5, तो आर स्क्वायर यानी 5 × 5 बोलो, और डेप्थ कितनी है? 2 मीटर, ये 2 मीटर। तो सिलेंड्रिकल टैंक का तो सारा तामझाम हो गया। अब आ जाओ उधर, अब जो पाइप है उसका डायमीटर कितना है? 20 सेंटीमीटर, और अभी हमने वहां पे इन दोनों को मीटर मीटर मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर, 20 सेंटीमीटर को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ओके, वन मोर थिंग, डायमीटर 20 है तो रेडियस 10 ही होगी, और 10 को भी फिर मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर होगा, होगा या फिर 10/100 लिख सकते हो। ओके चलिए आइए, 10/100 और आर का स्क्वायर करना है तो 10/100। तो यहां से साफ साफ पता चल रहा है कि ए की कंपोनेंट है जो मिसिंग है वो है एच, इसको निकाल लेते हैं। तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी, ये 0 से 0, 0 से 0, 100 बचा, 100 को उधर पहुंचाओ, तो 5 × 5 × 2 × 100, इसको मल्टीप्लाई करो,
5 5 25 2 50 into 100 यानी कि 5000 और सब कुछ मीटर में चल रहा है तो 5000 मीटर। अब ये हाइट क्या आई है, सिलेंड्रिकल जो पाइप होगा पाइप की हाइट थोड़ी ना होती है, पाइप की तो वैसे तो लेंथ होती है, लेकिन उसके अंदर से पानी जो मूव करेगा तो ये जो एच हो जाएगा 5000 मीटर, ये हो जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर। ये हमने डिस्कस किया था क्वाइट क्लियरली क्लास में कि किसी मूविंग बॉडी में से अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसकी जो लेंथ होगी वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर होगी। तो जो वैसे तो हाइट तो कुछ होगी नहीं, होगी जो लेंथ होगी, और वो लेंथ भी क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वाटर। तो मैं यहां से एक डिसीजन पे पहुंचा, ये पहला पार्ट खत्म हुआ क्वेश्चन का। यहाँ से सेकेंड पार्ट में क्या करूंगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई मेरे पास, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी आई बोलो, 5000 मीटर, 5 किलोमीटर भी कह सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली फिर आपको वापस उसको चेंज तो करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उस वाली स्पीड को भी चेंज करना पड़ेगा, इस वाली स्पीड डिस्टेंस को भी चेंज कर, तो मीटर में चलना इज द सेफेस्ट वे, है ना। वो किलोमीटर ज्यादा बड़ा हो जाता है, सेंटीमीटर ज्यादा छोटा हो जाता है। जब व्हेन वी टॉक ऑफ स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम, तो स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम में जनरली मीटर में चलना ज्यादा सेफ है। मीटर और टाइम को चलाओ मिनट्स में, डिस्टेंस को चलाओ मीटर में और टाइम को चलाओ मिनट्स में। तो ये तो मीटर में चलने दो। अब स्पीड क्या गिवन है बताओ मुझे, स्पीड ऑफ वाटर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको भी चेंज कर दें, यस तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर बोलो, यस और 1 घंटे में 60 मिनट। अब ये चेंज हो चुका है मीटर पर मिनट, समझे, समझ गए क्या भाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया, आर को मिनट में चेंज कर दिया। इसको सॉल्व भी कर देते हैं, तो इट इज लाइक 50, 50 आ रहा है, 50 आ रहा है ना, 50 मीटर पर मिनट। ये लो सर, अब आपकी स्पीड भी मीटर पर मिनट में है, डिस्टेंस भी मीटर में है। अब आपसे टाइम पूछा था कितने घंटे में या कितनी देर में वो टैंक जो है फेल हो जाएगा, ना टाइम चाहिए आपको, सो फाइनली टाइम टेकन आ जाएगा। टाइम का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 5000 मीटर है बोलो, और स्पीड क्या है, 50 मीटर पर मिनट। अब आप देखो मीटर से मीटर भी कट जाएगा और मिनट डिवाइड हो रहा है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा, और फाइनल आंसर मिनट में आ जाएगा, समझ गए, फाइनल आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में। इसको काट भी दो, 0 से 0 100, और मीटर से मीटर, तो मिनट ऊपर आ गया, दैट मीन्स 100 मिनट्स इज द फाइनल आंसर। 100 मिनट में वो जो है भर जाएगा, 100 मिनट में वो भर, ठीक है। 1 मिनट ओके, ग्राम मत देना, चलें सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड ऑप्शन मतलब 100 मिनट्स को हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 1 घंटा 40 मिनट, तो 1 घंटा 40 मिनट लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर 100 मिनट लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ऐसा जो उसने डिमांड तो करी नहीं कि टाइम आप घंटों में ही बताओ या मिनट में ही बताओ, सो आप दोनों वे में इसको आंसर दे सकते हो। बताओ कोई डाउट है क्या, अगर हम इसको किलोमीटर में चेंज करना ही रहने दें तो देखो फिर डिस्टेंस क्या रहेगी हमारी, 5 किलोमीटर रहेगी, रहेगी, और स्पीड क्या रहेगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, रहेगी बोलो, रहेगी। किलोमीटर से किलोमीटर घटा, आंसर क्या आया, 5/3 आवर्स, आंसर क्या आया, 5/3 आवर्स। अब 5/3 आवर्स को जब अपन चेंज करेंगे तो इट इज लाइक 1 2/3 आवर्स, 1 2/3 मिक्स फ्रैक्शन में, और 1 2/3 का मतलब है 1 आवर तो पूरा, और 2/3 फ्रैक्शन, और 2/3 फ्रैक्शन में कितने मिनट हो जाएंगे, 60 से मल्टीप्लाई करो, 20, 22 जा 40, वो का वही आंसर आया, 1 घंटा 40 मिनट। सर यहाँ पे तो सही है,
5/3 hours तक भी सही है क्या? हाँ बिल्कुल ठीक है। वैसे तो देखो एग्जाम में आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर मत छोड़ के आया करो। अगर ये प्रॉपर फ्रैक्शन होता, जैसे 3/5 होता, ऊपर न्यूमरेटर छोटा होता डिनोमिनेटर बड़ा होता, तब तक ठीक था। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर क्यों छोड़ना? वो तो अभी और कन्वर्ट हो सकता है ना भाई। 5/3 का मतलब है एक तो पूरा है उसमें और बाकी बचा हुआ फ्रैक्शन। तो आप 5/3 को 1/2/3 तक कन्वर्ट एटलीस्ट करके आओ। अभी तो मार्क्स ले लो लेकिन एग्जाम में ध्यान रखना। ओके चले, अभी तो ले लो 5/3 hours भी करेक्ट है, लेकिन एग्जाम में आप इसको एटलीस्ट इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है ना सबको। हाँ न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, जो क्वोशेंट आया उसको यहाँ लगाओ, जो रिमाइंडर आया उसको यहाँ लगाओ, जो डिविजर था एज इट इज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एनी डाउट्स टेल मी। चले इसके सेकेंड पार्ट पे चले। अब सेकेंड पार्ट जो था वो आप कहोगे कि कुछ नया था। था क्या उसमें कुछ नया? ठीक है पढ़ते हैं देखें, अच्छा क्वेश्चन है वो। एंड इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कोर्स। जो सेकंड पार्ट है वो एक क्वेश्चन पेपर से लिया हुआ है, शायद लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर से, किसी सैंपल पेपर से लिया हुआ है। सो मार्क करो उसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो। ठंडी हो गई क्या? 2 मिनट और रुक जाओ। ठीक है देख ले। ओके देखो, द हाइट ऑफ ए कोन इज 30 सेंटीमीटर। एक कोन है हमारे पास, उसकी हाइट क्या है? 30 सेंटीमीटर। कोई डाउट नहीं यहां तक? एक कोन है, उसकी हाइट क्या है? 30 सेंटीमीटर। उसमें से एक और कोन काट दिया। अब आप कहोगे सर कोन में से कोन काटेंगे तो फ्रस्टम बनेगा, और फ्रस्टम हमारे कोर्स से बाहर है। बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन फ्रस्टम का थोड़ी ना, क्वेश्चन कोन का ही है ना। कोन तो कोर्स का पार्ट है। अगर उसको काट के फ्रस्टम बना के, और फ्रस्टम का वॉल्यूम सी एस ए या डी एस ए पूछता, जो फ्रस्टम बना। देखो एक सबसे पहले आपको एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देते हैं, तो जिन बच्चों को नहीं पता, देखो सपोज करो ये कोन है हमारे पास, ऐसा होता है कोन, ऐसा ही होता है। अब इस कोन को अगर आप एक प्लेन सरफेस से कट करें, जैसे कि नाइफ हो गया, जैसे कि एक नाइफ हो गया, उससे अगर आप कट करते हैं इसमें, इसको पैरेलल, पैरेलल टू इट्स बेस, उसका जो बेस है बेस से पैरेलल कट करें। ऐसे नहीं ऐसे टेढ़ा वेढ़ा ऐसे कट नहीं करना। ऐसे कट कट करोगे तो दूसरी चीजें बनेगी, जो क्लास 11th में इनको बोलते हैं कॉनिक सेक्शंस, पैराबोला हाइपरबोला वो बनेगी। लेकिन अगर अपन पैरेलल टू इट्स सरफेस अगर अपन इसको कट करें ऐसे, उसके जो बेस है ना, तो जैसे ही उसको मैं काटूंगा, सपोज करो मैंने यहां से काट दिया, काट दिया, तो काटने के बाद इमेजिन करो ऊपर भी एक कोन बनेगा, ऊपर भी एक कोन बनेगा, ऊपर वाला पार्ट इज अगेन ए छोटा कोन इस टाइप का, और जो नीचे वाला पार्ट बच गया इसको बोलते हैं फ्रस्ट्रम। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं बाल्टी, हिंदी में बोलते हैं बाल्टी। समझ आया? तो अब अगर कोन को काट के नीचे वाले पार्ट जिसको फ्रस्ट्रम कह रहे हैं, इस फ्रस्ट्रम का अगर आपसे टीएसए या सीएसए या वॉल्यूम पूछा जाए, तो वो तो आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वो एक्सरसाइज ऑमिट हो चुकी है। लास्ट ईयर तक था, फ्रस्ट्रम का टीएसए सीएसए वॉल्यूम निकालना था, बट लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर बुक में था कोर्स में नहीं था, लास्ट टू लास्ट ईयर तो बुक में भी था कोर्स में भी था, इस साल तो बुक में ही है। तो ये पार्ट तो चलो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, जब ऊपर वाले कोन के बारे में आपसे कुछ पूछा जा रहा है, तो कोन के बारे में तो कुछ भी पूछा जाए वो तो आपके कोर्स का पार्ट है या नहीं है? सो इस क्वेश्चन को हम आपके कोर्स का पार्ट मानेंगे, बिकॉज लास्ट ईयर बुक में था कोर्स में नहीं था, पर सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, मानते हो? तो इस साल भी माना जाएगा ना फिर कोर्स का पार्ट। चलो तो अब इस क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। ये कह रहा है कि एक कोन की हाइट है 30 सेंटीमीटर। तो मैं कोन बना रहा हूं, फिर से फोकस करो यहाँ पे देखें, एक हिंट देता हूँ, ये इट इज बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। अब सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स तो कोर्स का ही पार्ट मानोगे ना। सो ये हो गई इसकी हाइट। हाइट कितनी है? कितनी हाइट? तो ये तो हो गई कोन की हाइट, दैट इज 30 सेंटीमीटर, यहां से लेकर और कोई डाउट नहीं है, टोटल हाइट है ये। अब सुन आगे बढ़ते हैं। ए स्मॉल कोन इज कट ऑफ एट द टॉप बाय ए प्लेन पैरेलल टू द बेस। वही बेस से पैरेलल एक कोई प्लेन सरफेस है, जैसे नाइफ, नाइफ एक प्लेन सरफेस है, उसको बेस से पैरेलल ऐसे कट लगाया, तो एक छोटा कोन ऊपर कट गया, कट ऑफ हो गया। मतलब कट ऑफ, ऑफ होने का मतलब होता है अलग हो जाना, OFF ऑफ होने का मतलब क्या होता है? अलग हो जाना। तो उस कोन से वो कट ऑफ हो गया, अलग हो गया। ठीक है, अब
इफ इट्स वॉल्यूम बी 1/27 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द गिवन कोन, जो ओरिजिनल कोन था, और जब एक छोटा सा कोन है तो जो छोटा वाला कोन है उसका वॉल्यूम ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का कितना पार्ट है, ऑब्वियसली कम होगा उससे वॉल्यूम में, क्योंकि पहले बड़ा कोन था अभी छोटा कोन है, तो छोटे कोन का वॉल्यूम ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का कम होगा या ज्यादा होगा या बराबर होगा, बताओ? कम ही होगा। तो 1/27 पार्ट है, यानी उसके 27 टुकड़े कर दे उसमें से एक पार्ट है, इतना सा वॉल्यूम उसका छोटे से कोन का, वो टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन का, समझ गए? अब आपसे पूछा गया है एट व्हाट हाइट अबाउट द बेस द सेक्शन इज मेड, सेक्शन मतलब होता है टुकड़ा, तो वो जो कट लगाया ना आपने, टुकड़ा लगाया, कट लगाया, सेक्शन लगाया, वो सेक्शन आपने बेस से कितनी हाइट ऊपर आकर लगाया, टोटल हाइट 30 सेंटीमीटर थी ना, तो बेस से आप 10 सेंटीमीटर ऊपर गए कि 15 गए कि 20 गए कि 25 गए, कितना ऊपर जाके आप कट लगाएं ताकि जो छोटा कोन बने उसका वॉल्यूम टोटल कोन के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट बन जाए। क्लियर है क्या क्वेश्चन? हम हाइट से कितना ऊपर आके कट लगाएं ताकि जो ऊपर वाला छोटा कोन बने उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन का 1/27 पार्ट बन जाए। ओके, तो सपोज करो मैंने वो कट एक बार के लिए मान लेता हूं मैंने यहां पे लगा दिया, कहां लगा दिया, यहां, ठीक है, अंदाजे ये लग गया कट, बोलो अभी छोटा वॉल्यूम कोन बन गया ऊपर दिख रहा है सबको, बोलो। ओके, अब लेट्स से ये तो है सेंटर ओ, और वो है उसको ले लेते हैं ओ डैश, उसको ले लेते हैं ओ डैश, कुछ मार्किंग करनी पड़ेगी आगे बढ़ने की, लगा दिया ओ डैश। लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब मैं यहाँ पे दो ट्राइंगल लिख रहा हूं, आप मुझे बताओ वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्या? एक ट्राइंगल है सी ओ डैश बी, ट्राइंगल सी ओ डैश बी, यहाँ पे 90 डिग्री होगा मानते हो, और यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा मानते हो, सी ओ डैश बी, एंड दूसरा ट्राइंगल लिख रहा हूं बड़ा वाला में सी ओ ए, जो बड़े कोण में ट्राइंगल है सी ओ ए, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है क्या? ठीक है, लेकिन वो कैसे हैं वो आपको प्रूव करना पड़ेगा हेयर इन ट्राइंगल। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो ए ए सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाएंगे, एक एक एंगल तो 90 डिग्री है दोनों में, और क्योंकि ये पैरेलल से काट रहे अपन, पैरेलल बेस है, बेस से पैरेलल है, तो ये दोनों एंगल्स देखो ध्यान से देखो, थोड़ा कंजस्टेड हो गया, लेकिन ये वाला और ये वाला एंगल दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। इमेजिन करो देखो ऐसे जा रही है स्लेंट हाइट, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है, तो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, और कॉमन एंगल भी यूज कर सकते हैं, एक्चुअली तीनों ही एंगल बराबर है। यस, ये वाला एंगल भी तो दोनों में आ रहा है, ये वाला एंगल जो है ऊपर वाला एंगल, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल, एक कोन इस एंगल को, इस एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल, इस एंगल को टोटल जो एंगल है इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल एंगल, और जो उसका आधा पार्ट है इसको क्या बोलते हैं सेमी वर्टिकल। तो ये सेमी वर्टिकल एंगल दोनों में इक्वल है ना, ये वाला एंगल ऊपर वाले ट्राइंगल में भी फॉल होता है और बड़े टोटल ट्राइंगल में भी फॉल होता है, तो कॉमन एंगल हो गया, तो तीनों ही एंगल इक्वल हो गए। आप चाहो तो तीनों एंगल ए ए ए सिमिलैरिटी से इसको सिमिलर प्रूव कर दो, और चाहो तो ए ए दो एंगल वाली सिमिलैरिटी से इसको सिमिलर प्रूव कर, हो जाएगा सिमिलर। चलो जी, तो सिमिलर प्रूव कर दिया है हमने ट्राइंगल सी ओ डैश बी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ ए, कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना? तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उसकी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, लचाए तो देते मेरी ठंडी है ना अभी तो, हाँ बोलो, अगर प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं होती है, इक्वल कब होती है जब ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो इसकी साइड प्रोपोर्शनल होगी, कैसे, सी ओ डैश इंप्लाइज सी ओ डैश, उधर बोलो क्या हो जाएगी सी ओ डिवाइडेड बाय सी ओ इक्वल टू, इधर बोलो ओ डैश बी, इधर बोलो ओ ए, होगी नहीं होगी बताओ, और एक और तीसरी साइड भी बोल दो सी बी और सी ए, सी बी सी ए, हालांकि ये तीसरी साइड का इतना कोई रोल नहीं है, पर ठीक है तीनों साइड प्रोपोर्शनल लिखती मैंने, लिख दी, कोई डाउट नहीं। अब एक बार आप छोटे कोन और बड़े कोन के डायमेंशंस को कुछ नाम दो, लाइक छोटे कोन के हाइट और रेडियस को स्मॉल एच और स्मॉल आर, और बड़े कोन की हाइट और रेडियस को कैपिटल एच और कैपिटल आर, ये नाम दे सकते हैं, हम दे सकते हैं, तो मुझे बताओ सी से लेके ओ डैश, सी से लेके ओ डैश जो है छोटे कोन की हाइट है या नहीं है, है
तो इस सी ओ डैश को मैं स्मॉल एक्स लिख दूं, बोलो सी से लेके ओ डैश, ये छोटे कोण की हाइट है, छोटे कोण की हाइट को मैंने क्या कहा स्मॉल एच, एंड बड़े कोण की हाइट को कैपिटल एच नाम दे सकते हैं, और सीओ क्या है बड़े कोण की हाइट है उसको कैपिटल एच, ठीक है। ओ डैश बी, ओ डैश बी छोटे कोण का रेडियस है या नहीं है, छोटे कोण का रेडियस है तो स्मॉल आर, और ओ ए जो है वो बड़े कोण का रेडियस है या नहीं है, बोलो कैपिटल आर। तो यहां से एक रेशियो मिला मुझे एच बाय एच इक्वल टू आर बाय आर, ये रेशियो मिला, इस रेशियो को संभाल के रखो। और अब एक बार दोनों के वॉल्यूम बताओ क्या क्या होंगे, बोलो छोटे कोण का वॉल्यूम क्या होगा उसको, लेट्स से मैं छोटे कोण के वॉल्यूम को मैं वी डैश कह देता हूं और बड़े कोण के वॉल्यूम को मैं कैपिटल वी कह देता हूं, तो छोटे कोण का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच, और बड़े कोण का वॉल्यूम पाई कैपिटल आर स्क्वायर, यहां तो कोई डाउट। अब आपको एक इन्फॉर्मेशन गिवन है कि छोटे कोण का वॉल्यूम, अच्छा हाइट ऑफ द कोण, बड़े कोण की हाइट गिवन है 30, तो इसको तो मार्क कर दे, यानी कैपिटल एच की वैल्यू 30 मार्क कर दूं मैं यहाँ पे, कर दूं एच इक्वल टू 30 है मतलब, ठीक है ना, तो ये एक इक्वेशन मार्क करके छोड़ दो, क्या इक्वेशन बनी है ये एच बाय 30 इक्वल टू आर बाय कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन क्या थी कि जो छोटे कोण का जो वॉल्यूम है वो बड़े कोण के वॉल्यूम का क्या है 1/27 पार्ट है, तो इस इन्फॉर्मेशन को यूज करेंगे ना, देखो छोटे कोण का वॉल्यूम वी डैश इक्वल टू बड़े कोण का वॉल्यूम, बड़े कोण का वॉल्यूम कैपिटल वी, मतलब वी डैश नहीं ओनली वी, ये इसका 1/27 पार्ट है, 1/27 ऑफ वी, वी डैश की वैल्यू क्या है बताओ 1/3 बोलो स्मॉल एच इक्वल टू 1/27 इंटू कैपिटल वी की वैल्यू बोलो 1/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, देखो क्या क्या कट गया 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, ये तो गया एज इट इज ओके, और यहां से मेरे पास एक वैल्यू है कैपिटल एच की वैल्यू है ना 30, उसको भी पुट अप करो, सो इट इज लाइक आर स्क्वायर एच इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कैपिटल एच की वैल्यू बोलो 30, ठीक है। अब यहां से बताओ, अब यहां से मुझे या तो कैपिटल आर की वैल्यू, या तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर की वैल्यू के फॉर्म में निकालो, या फिर कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर की फॉर्म में निकालो, इस इक्वेशन से बोलो कैपिटल आर को स्मॉल आर में कन्वर्ट करें या स्मॉल आर को कैपिटल आर में, जैसा आप चाहो। के लिए सुनो करते हैं, हाँ देखो एक काम तो कर सकते हो, ये आर स्क्वायर है हमारे पास, वहां पे क्या रेशियो गिवन है चेक करो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर, तो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर रेशियो में कैसे बना सकता हूँ, कैपिटल आर स्क्वायर को उसके नीचे ले जाऊं बना सकता हूँ कैसे, या फिर इस स्मॉल आर स्क्वायर को उधर ले जाऊं, दोनों में से कैसे भी करके बना सकता हूं, तो एक काम करता हूं मेरे को वैसे भी स्मॉल एच की वैल्यू चाहिए, मुझे क्या चाहिए भाई कितने ऊपर कट लगा था, मुझे क्या चाहिए कितनी ऊपर कट लगा था, टोटल है 30, अगर मान लो ऊपर वाले स्मॉल एच अगर 10 है तो यानी 20 सेंटीमीटर ऊपर कट लगा था, मान लो ऊपर वाला एच है 5 तो यानी 25 सेंटीमीटर ऊपर कट, यानी ऊपर वाला एच की वैल्यू चाहिए मुझे कैसे भी करके, तो यानी स्मॉल एच की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, कैपिटल आर स्क्वायर और ये स्मॉल आर स्क्वायर उसके नीचे आ गया इंटू 30, इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं कैपिटल आर बाय स्मॉल आर का होल स्क्वायर इंटू 30, और उस इक्वेशन से आप कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू निकाल सकते हो, देखो स्मॉल आर बाय कैपिटल आर की वैल्यू है तो रेसिप्रोकल कर दूं मैं, तो कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल करो जरा 30 डिवाइडेड बाय स्मॉल एच, ये एच नहीं है तो 30 रख दिया था ना हमने, एच बाय 30 का रेसिप्रोकल कर दूं तो 30 डिवाइडेड बाय स्मॉल एच, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर का रेशियो 30 डिवाइडेड बाय एच उधर ले चले, 30 डिवाइडेड बाय एच को हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, 30 डिवाइडेड बाय एच का क्या हो गया ये होल स्क्वायर इंटू व्हाट 30, और इधर क्या था ओनली स्मॉल एच, इसको सॉल्व करके एच की वैल्यू आ जाएगी, कर दो एच इक्वल टू 30 का स्क्वायर यानी 30 इंटू 30 हो गया है, तो एक 30 और है ना, और डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर
इंटू मतलब एच स्क्वायर ओनली ओनली एच स्क्वायर हो गया भाई, एच का स्क्वायर ओनली एच स्क्वायर हो गया ना। एच स्क्वायर इंटू एच कितना होता है, गलत क्यों आ रहा है? ओके ये 1/27 तो कहीं लिया ही नहीं सीन, क्योंकि ये तो स्मॉल एच की वैल्यू भी 30 आ रही है, ऐसा कौन हो सकता है। तो 1/27 कहाँ रह गया, यहाँ पे इस जगह पे है ना, यहाँ लिख दूँ, फिर यहाँ लिख दूँ, फिर यहाँ लिख दूँ और फाइनली इसके नीचे लिख दूँ, लिख दूँ, अब आ जाएगा। तो एच स्क्वायर इंटू एच कितना होता है, एच क्यूब, बोलो एच क्यूब। और उधर क्या बचा मेरे पास, 30 30 30 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचा बोलो, 27 को मैं लिख देता हूँ 3 × 3 × 3, कोई दिक्कत, 3 से 10 times 3 से ये भी 10 times और 3 से ये भी 10 times। तो एच क्यूब की वैल्यू आ गई 1000, एच क्यूब की वैल्यू 10 × 10 × 10 यानी कि 1000, तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यूब रूट ऑफ 1000, क्यूब रूट ऑफ 1000 दैट मींस 10 centimeter, यानी कि छोटे कोन की हाइट कितनी है 10 centimeter। छोटा कोन का है ये रहा, यहां से लेके यहां तक ये हाइट कितनी है 10 centimeter, तो ये अगर 10 centimeter है और टोटल हाइट थी 30 centimeter, तो कितने सेंटीमीटर ऊपर कट लगाया है, 20 सेंटीमीटर ऊपर कट लगाया। तो फाइनल आंसर हो जाएगा कि आप बेस से 20 सेंटीमीटर ऊपर कट लगाएंगे तब जाके ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम का 1/27 पार्ट बने। फाइनल आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर ना कि 10 सेंटीमीटर, क्योंकि उसने ऐसे नहीं पूछा कि छोटे कोन की हाइट कितनी, उसने क्या कहा बेस से कितना ऊपर हम कट। तो किसी ने किया था ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट, नो वन, अभी समझ में आया, बोलो। सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स को यूज करके दोनों की हाइट और दोनों का रेडियस का एक इक्वेशन बना लेंगे, उसमें से चार चीजें हो गई, एच कैपिटल एच स्मॉल आर कैपिटल आर, चार चीजें हो गई, चार चीजों में से एग्जाम में क्वेश्चन में एक चीज तो गिवन होगी, जैसे यहाँ पे ये कैपिटल एच की वैल्यू गिवन है, एक चीज गिवन होगी, ओके। उसके बाद फिर अपन वॉल्यूम का जो भी रिलेशन गिवन है उस वॉल्यूम के रिलेशन को लिख देंगे यहाँ पे, और एक रेशियो की वैल्यू वहां से, जैसे कैपिटल आर बाय स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पे हमने 30/H लिख दी, तो सारी इक्वेशन स्मॉल एच में चली गई, वहां से स्मॉल एच की वैल्यू आ गई। एक बार स्मॉल एच की वैल्यू आ गई तो जो जिस टाइप का उसने उसका क्वेश्चन है हम पता कर सकते हैं, ठीक है। ये तो था लॉन्ग कट, अब शॉर्टकट सुनो, शॉर्टकट बताएं, बोलो। देखो वॉल्यूम जो होता है वो क्यूबिक क्वांटिटी होती है, अब अगर इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का 1/27 पार्ट है, तो इसकी रेडियस उसकी रेडियस की 1/3 होगी और इसकी हाइट उसकी हाइट की 1/3 होगी, वेरी इजी, समझ आया। 1/27 क्यूबिक पार्ट है ना, तो 1/27 का क्यूब रूट करो जरा, क्या हो जाएगा 1/3, तो उसकी रेडियस की 1/3 है और उसकी हाइट भी उसकी हाइट की, क्योंकि उसी कोण का तो पार्ट है और पैरेलल टू बेस को काट रहे हो आप, तो उसकी हाइट अगर 30 है तो 1/3 कर दो उसकी हाइट का, ठीक है। और अभी रेडियस गिवन नहीं है, मान लो उसका रेडियस गिवन होता, मान लो उसका रेडियस गिवन होता 60, तो उसका रेडियस आता 20, 1/3 आता है। छोटे कोन का रेडियस बड़े कोन के रेडियस का 1/3 आएगा और छोटे कोन की हाइट बड़े कोन की हाइट की 1/3 आएगी, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम 1/27, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब में चलता है, समझ गए, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा शॉर्टकट, इस तरीके का अपन एग्जाम में नहीं लगा सकते अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में से उठाया हुआ क्वेश्चन, समझ गए, तो ऑब्जेक्टिव में तो हम ये इस चीज को यूज कर सकते हैं। आपको कई बार बताया है एरिया क्वाड्रेटिक चलता है, वॉल्यूम क्यूबिक चलता है, तो वॉल्यूम का रेशियो गिवन है तो वहां से रेडियस और हाइट का रेशियो निकल सकता है, ठीक है। अभी कोई पूछे कि दोनों के सीएसए का रेशियो बताओ, बताओ क्या आएगा सीएसए का रेशियो इसी क्वेश्चन में, 1/3 का स्क्वायर कर दो भाई, रेडियस का रेशियो क्या है 1:3, वॉल्यूम का रेशियो क्या है, सिंपल सा लॉजिक देखो, वॉल्यूम का रेशियो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है बोलो, 1:27, ये वॉल्यूम का रेशियो आ रहा है, तो रेडियस और हाइट का रेशियो क्या आएगा, क्योंकि रेडियस एक लीनियर क्वांटिटी है ना, और हाइट भी एक लीनियर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का रेशियो तो क्या हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा, तो यानी 1:3 और 1:3 आया ना अभी, उसकी हाइट अगर 30 थी तो उसकी 10 निकली, नहीं निकली, निकली ना, और उसका रेडियस मान लो 60 होगा तो उसका रेडियस 20 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब सीएसए या टीएसए, सीएसए ऑब्लिक टीएसए का रेशियो अगर पूछे तो इसका स्क्वायर कर दो, यानी 1:9 उसका आंसर हो जाएगा।
यानी कि उसका सीएसए उसके सीएसए का 1/9 पार्ट होगा या उसका टीएसए उसके टीएसए का 1/9। लेकिन कंपैरिजन ऐसे ही होना चाहिए सीएसए का सीएसए से, टीएसए का टीएसए से, वॉल्यूम का वॉल्यूम से। ऐसा नहीं कि इसका सीएसए उसके टीएसए का कितना पार्ट है, फिर वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, वो तो कैलकुलेट ही करना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। वैसे आता नहीं है। क्वेश्चन है क्या आता है, इसका सीएसए उसके सीएसए का कितना पार्ट है, इसका टीएसए उसके टीएसए का कितना पार्ट है, इसका वॉल्यूम उसके वॉल्यूम का कितना पार्ट है, इसकी हाइट उसकी हाइट का कितना पार्ट है, इसकी रेडियस उसके रेडियस का कितना पार्ट है। ओके, तो वॉल्यूम में क्यूब कर दो, टीएसए सीएसए में स्क्वायर कर दो। समझ गए क्या? अच्छे से समझ गए, कवर हो गया क्वेश्चन ढंग से। चले आप सेकेंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर टू इज फ्रॉम बुक। अब सारे क्वेश्चन बुक के ही है होपफुली। तनुज कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्क्यूलर कोन। कैप लगा के आइए तनु, आज नहीं लगा के। ओके, तो राइट सर्क्यूलर कोन के फॉर्म में उसकी कैप है, लगा के आनी चाहिए ना, जब है तो इसमें देखा हुआ है। तो डायमीटर 14 सेंटीमीटर, हाइट 24 सेंटीमीटर है उस कैप की, तनु की नहीं। एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 सच कैप्स इफ ईच कैप कॉस्ट 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो यहां से पता चलता है सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि पंगा एरिया का है, वॉल्यूम का नहीं है, ठीक है। और जब अपन कैप बनाएंगे तो वो कैप में वो जो भी पेपर लगेगा वो पेपर सीएसए में लगेगा ओनली, वो बेस में तो लगने से रहा, क्योंकि बेस में अगर अपन वो पेपर लगा दें, ऐसा कौन बना दें, तो उसको पहनेंगे कैसे, पहनने के लिए वो बेस को हटाना पड़ेगा, तो पेपर ओनली एंड ओनली विल बी यूज इन सीएसए। तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि एक कैप का सीएसए निकालो वो जो कि कॉनिकल शेप में है, उसको क्या करो 10 से गुणा करो, उसको क्या करो कॉस्ट निकालने के लिए 50 पैसे और गुणा करो, तो आंसर आ जाएगा। ओके चलो, तो इसको तो फटाफट से कोई चीज सॉल्व करो। बताओ क्या क्या गिवन है, डायमीटर कितना गिवन है 14, तो डायमीटर से रेडियस कितना जाएगा 7, फिर हाइट कितनी गिवन है, और सीएसए निकालने के लिए स्लैंट हाइट भी चाहिए होगी, तो स्लैंट हाइट का फॉर्मूला बताओ, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट। तो आर क्या है 7, 7 का स्क्वायर 9 और 24 का 576 और ये हो जाएगा 625, और दैट मीन स्लैंट हाइट आ गई 25 सेंटीमीटर। ठीक है, सब कुछ आ गया। सीएसए निकाल लें क्विकली, बोलो सीएसए का फॉर्मूला पाई आर एल, यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 7, एल कितना है 25, 7 से 7 खत्म, कितना आएगा 25 दूनी 50 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एक कैप का सीएसए, ये कितने कैप का सीएसए, एक कैप का सीएसए, हमारे पास कितनी कैप्स हैं, तो सीएसए ऑफ 10 सच कैप्स निकालेंगे तो 10 से गुना कर देंगे, दैट मीन्स 550 इंटू 10 दैट विल गिव मी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके फाइन, ओके। अब कॉस्ट कितनी की, मैंने कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर कितनी की, मैंने 50 पैसे, 50 पैसे, 50 पैसे का मतलब 0.5 रुपीज, बोलो ₹0.5, रुपीज में कन्वर्ट करेंगे, पैसों में थोड़ा आंसर देंगे भाई, इतने पैसे हुए थे, रुपए बताएंगे ना उसको, तो रुपीज में कन्वर्ट कर देते हैं 50 पैसे को ₹0.5। अब इसको इससे कर देते हैं हम मल्टीप्लाई, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है, हम यहाँ आ जाओ, टोटल कॉस्ट इक्वल टू रुपीज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय कितना है 5500, यानी 5500 का आधा कर दो एग्जैक्टली। 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 1/2 मतलब 5500 का एग्जैक्टली आधा कर देना, तो 5500 का एग्जैक्टली आधा करना कोई बड़ी बात नहीं है 10th क्लास के बच्चे के लिए, 5000 का आधा 2500, 500 का आधा 250, 2500 और 250 2750 रुपये। हाँ फॉर्मूला क्या लगाया, 1/3 पाई आर क्यूब, और फिर भी आंसर सही आया, तो फिर शिनाख्त करनी पड़ेगी इसमें, है ना, अच्छे से, ठीक है। हाँ क्या निकाली इसने, स्लैंट हाइट, और वो भी गलत है, तो आधा नंबर दे दो, 3 नंबर का है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ऑप्शन था इसमें भी सेकंड वाला, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड ऑप्शन देखो, कौन है, हाइट है 24, डायमीटर और बेस है 12,
और इट्स मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, ठीक है, मॉडलिंग क्ले समझते हो, बच्चों के खेलने वाली क्ले आती है, जिससे क्ले से कुछ भी हाथी घोड़ा बंदर कुछ भी बना देते हैं, वो चेंज करते रहते हैं फिर, है ना। तो उदित क्या करता है, उसको स्फीयर बना देता है, स्फीयर मतलब गोला बॉल बना देता है उसकी, फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो पहले वो कॉनिकल शेप में थी और उसको तोड़ फोड़ के बॉल बना दी, तो अब जो नया जो बॉल बनी है उस बॉल की क्या चाहिए उसको, रेडियस। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर को वॉल्यूम ऑफ कोन से इक्वेट कर दो, और जो मिसिंग है उसको एलएचएस में रखो, जिसका सब कुछ गिवन है उसको आरएचएस। तो स्फीयर का रेडियस मिसिंग है ना, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन, ठीक है। तो स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला, 4 पाई 3 पाई आर क्यूब, 4 बाय 3 पाई आर क्यूब, ओके। एंड वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1 बाय 3, लेकिन अब देखो इधर भी आ रहा है इधर भी आ रहा है, तो डू वन थिंग, इधर कैपिटल आर कर दो और स्मॉल आर चल दो, 1 बाय 3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, ठीक है। अभी तो क्या क्या कैंसिल आउट हो सकता है, 3 3 डिनोमिनेटर में, पाई पाई न्यूमरेटर में, दैट्स इट। चलो आ जाओ, तो आर क्यूब तो चाहिए आपको, आर तो चाहिए ना, इसको एज इट इज छोड़ो, ये 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और स्मॉल आर और स्मॉल एच की वैल्यू आपको गिवन होनी चाहिए। देखो हाइट है 24 और डायमीटर है 12, तो डायमीटर 12 है तो रेडियस 6, तो 6 और 24 पुट अप कर दो, 6 और 24, 6 6 24, तो 4 से 1 बार और 6 टाइम्स कर जाएगा, 6 का क्यूब हो गया ये, तो आर क्यूब अगर 6 क्यूब है तो आर 6 हो जाएगा, या फिर 6 क्यूब का क्यूब रूट कैसे भी कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। हाँ वेरी इजी, ठीक है, बोलो कोई डाउट, 4 लाइन का ही था, तो कुछ स्टेप्स लिखने होंगे भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब सारे इजी। क्वेश्चन नंबर 3, ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ व्हाइट, ये भी बुक का क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके इसको भी अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट में जाते जाते एक दो क्लासेस में इसको अपन ने क्लियरली डिटेल में डिस्कस किया था, फटाफट से इसका सॉल्यूशन पार्ट पे चलते हैं, क्योंकि डेटा भी सेम ही रखा है, कि एक कोन है जिसकी हाइट क्या है 120, उसकी हाइट क्या है 120, रेडियस क्या है 60, ये कोन किस पर खड़ा है, हेमिस्फीयर पे खड़ा है, हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर पे कोन। अब ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको उठा के सिलेंडर में डाल दिया, ऐसा है, ऐसा ही। तो अब आप देखो जो कोन है उसकी रेडियस भी 60 है, जो हेमिस्फीयर है उसकी रेडियस भी 60 है, और तो और जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी 60 है, तो आपको कैपिटल आर स्मॉल आर आर डैश ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, टेक ए सिंगल वैल्यू आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो रेडियस तो सबकी हो गई कितनी, बोलो रेडियस तो सबकी हो गई कितनी, 60 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या क्या ऑब्जेक्ट है, बताओ कोन, कोन किस पर खड़ा है, हेमिस्फीयर, और ये दोनों किस में पड़े हुए हैं, सिलेंडर, ये इस पे खड़ा है, ये दोनों मिलके उसमें पड़े हुए सिलेंडर, तीनों का रेडियस क्या हो जाएगा बोलो, 60, क्योंकि सेम है, तो आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 60 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू अगेन 60 सेंटीमीटर, कोई डाउट नहीं है। चलो अब बाकी डायमेंशंस देखते हैं, अब इसकी हाइट कितनी है, कोन की हाइट कितनी है 120, हेमिस्फीयर के पास तो हाइट होती नहीं है, हाइट किस किसके पास होती है, कोन और सिलेंडर के पास, तो कोन की हाइट 120 और सिलेंडर की हाइट है 180, तो स्मॉल एच एंड कैपिटल एच मार्क कर दें, स्मॉल एच 120 और सिलेंडर की हाइट कैपिटल एच 180, दैट्स इट, सारे डायमेंशन नोट डाउन हो गए। अब क्वेश्चन क्या है कि सिलेंडर में अगर पूरा पानी भरा हुआ है, ब्रिम तक पानी भरा हुआ है, ब्रिम मतलब लास्ट एंड तक, और उसमें वो ऑब्जेक्ट डालेंगे तो कितना पानी बाहर आएगा, ये क्वेश्चन है, तो कितना पानी बचेगा, सॉरी बाहर नहीं, कितना पानी अंदर बचेगा, तो बाहर जो पानी आएगा वो उसका वॉल्यूम होगा जो अपन ऑब्जेक्ट अंदर डाल रहे थे, ओके। तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ जाएगा बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से इन दोनों का वॉल्यूम माइनस करने से आंसर आएगा, बोलो समझ आया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में पूरा पानी भरा हुआ है, उसमें आप एक ऐसा ऑब्जेक्ट डाल रहे हो जिसमें नीचे तो हेमिस्फीयर है ऊपर कोन है, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आप उसमें जैसे ही टिप करोगे तो वो जो ऑब्जेक्ट है उतना पानी तो बाहर आ जाएगा, तो बचेगा क्या, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही बचेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, कर दें,
द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, बट इसमें फिगर बनाना कंपलसरी इस क्वेश्चन में, ओके ठीक है ना, बनाया था ना सबने, जिसने ये बनाया उसके आधा नंबर काट देना, मतलब आधा का मतलब 1/2। गलत तो फिगर भी गलत बनाया है क्या किसी ने, क्या क्या कैसे गलत बनाया, उल्टा बना दिया, हेमिस्फीयर ऊपर बना दिया, स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर साथ साथ लिखा हुआ है, देखो स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, अब इतनी अंग्रेजी, ऊपर सिलेंडर कैसे खड़ा होगा पहले तो ये बात, मतलब उल्टा करके, उल्टा करके तो खड़ा हो सकता है, बेस से बेस मिला के तो खड़ा हो सकता है, लेकिन पॉइंटेड बेस पे कैसे खड़ा होगा। वॉल्यूम ऑफ द वॉटर लेफ्ट इन द सिलेंडर विल बी इक्वल टू, बोलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर, स्फीयर तो है ही नहीं वहां पे, ठीक है तो चलो पुट द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बोलो, बोलो आर स्क्वायर कैपिटल एच, वॉल्यूम ऑफ कौन का बोलो, स्मॉल एच, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बोलो पाई आर, तो पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, तीनों में कॉमन दिख रहा है निकाल दे बाहर, पाई आर स्क्वायर, अंदर बचता है कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 स्मॉल आर, एक आर बच गया ना, ठीक है चलो वैल्यू पुट अप करें, 22/7 बोलो स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, 60 into अगेन 60, कैपिटल एच की वैल्यू बोलो 180 माइनस 1/3 ऑफ स्मॉल एच की वैल्यू बोलो 120 माइनस 2/3 into स्मॉल आर की वैल्यू बोलो, करते हैं इसको सॉल्व जल्दी से, 3 से कितनी बार जाएगा 40, 3 से कितनी बार जाएगा 20, तो 40 बन जा 40 एंड 22 जा 40, तो 40 40 80, तो 180 में से 80 गया तो कितना बचता है 100, सो कट नहीं रहा है, डेसिमल में आएगा आंसर 60 into 60 into, इसको सॉल्व करना है, दैट्स इट, करते हैं सॉल्व, तो करो 22/7 into 60 into 60 3600 और 2 0 और लगाओ, ठीक है अब 22 से मल्टीप्लाई करो तो 4 0 तो ऑलरेडी है, 1 2 3 4, 22 6 जा होता है 132, हासिल के बचे 13, 22 3 जा होता है 66, 66 एंड 13 79, ठीक है डिवाइडेड बाय 7, अब इतने सेंटीमीटर क्यूब आंसर है, अब ये किसमें है, लेकिन उसने क्या लीटर से पूछा है क्या, नहीं पूछा है, ठीक है तो हम सेंटीमीटर क्यूब में इसको लेकिन डेसिमल फॉर्म में तो चेंज करेंगे, क्योंकि ये तो काफी बड़ा सा फिगर है, इस फॉर्म में तो बिल्कुल आंसर नहीं छोड़ना, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख क्वेरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ उसको, क्या है 7 9 2 4 times 0 and 7 divided by 7, यही है 7 9 2 1 2 3 4 divided by 7 सेंटीमीटर, तो ये फाइनल आंसर तो है बट इसको थोड़ी सी अच्छी सी शक्ल देंगी, ये शक्ल अच्छी नहीं लग रही इसकी, तो बोलो क्या करें इसको, इसको लीटर में चेंज कर दें, बोलो 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1000, तो अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो लीटर में चला जाएगा, वो कर दो 7 9 2 1 2 3 4 divided by 7, 1000 से डिवाइड करते हैं तो अब ये लीटर में चेंज हो गया, किसमें चेंज हो गया, तो 3 0 से 3 0 खत्म, और अब इसको जितना भी डेसिमल में आ रहा है चेंज कर दो, कर दें तो 7 1 जा 29, 7 4 जा 28, 12 बचा, 7 1 जा 7, 12 में से 7 गया 5, 50 बचा, 50 मतलब 7 7 जा 49, फिर क्या बचा 1, 1 का बन गया 10, 7 1 जा 7, फिर क्या बचा 30, 7 4 जा 28, अप्रॉक्सीमेट इतने लीटर, दो डेसिमल प्लेस में सॉल्व करके और अप्रोक्स लगा दो फिर छुट्टी है, ठीक है और कोई डाउट है इसमें बताओ, तो कैलकुलेटिव था बस, बाकी तो इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास था नहीं, हो गया।
कर दो डिलीट, चलो नेक्स्ट पे, कर दो डिलीट। ओके क्वेश्चन नंबर फोर, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हेमी स्फेरिकल बाउल माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। एक वेसल है जिसमें नीचे ऊपर क्या है बताओ, ऊपर तो होलो सिलेंडर है और नीचे क्या है, हेमी स्फेरिकल बाउल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, नीचे तो है हेमिस्फेरिकल बाउल और ऊपर क्या है, होलो सिलेंडर लाइक, ठीक है, एक इस तरीके का बर्तन है, समझ गए ना, बोलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है 14, तो फिर रेडियस कितनी हो जाएगी, ये डायमीटर है 14, तो रेडियस हो जाएगी हमारी 7, ये रेडियस हो गई 7 सेंटीमीटर। आगे बढ़ो, टोटल हाइट ऑफ द वेसल गिवन है, यहां से लेके यहां तक, अच्छा ये भी बुक का ही लग रहा है, बुक का ही क्या, टोटल हाइट ऑफ द वेसल कितने गिवन है 13, यहां से लेके यहां तक। तो ओमिट होने के बाद तो ये चैप्टर काफी सरल सा रह गया है आपका, कुछ बताइए ओमिट सेक्शन के हटा दे, तो ये टोटल हाइट है 13, तो इस टोटल हाइट में से ऊपर सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट निकालनी पड़ेगी बेटा, तो कैसे निकालेंगे, नीचे वाले पार्ट की हाइट माइनस करके, और हेमिस्फीयर की जो हाइट होती है वो उसके रेडियस के बराबर होती है, ये अंडरस्टूड है, बोलो, तो इसकी रेडियस अगर 7 है तो इसकी हाइट भी क्या हो गई 7, और 13 में से 7 गए तो ऊपर वाली हाइट कितनी बच गई, यहां से लेके यहां तक 6 सेंटीमीटर बच गई, सब कुछ आ गया। अब क्या पूछा है आपसे, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल इन लीटर्स, वैसे तो देखो एक चीज समझना, लीटर्स इन लीटर्स उसने साथ साथ दे रखा है, लेकिन अगर वो इन लीटर्स ना भी दे, लेकिन क्वेश्चन वॉल्यूम का ना होके कैपेसिटी का आ जाए, तो हमेशा लीटर्स में ही आंसर देना, क्वेश्चन अगर वॉल्यूम का ना कहके किसका हो, कैपेसिटी, कैपेसिटी बताओ, वेसल की कैपेसिटी बताओ, तो वेसल की कैपेसिटी हमेशा लीटर में होती है, ठीक है। हम बाजार से कोई बर्तन लेने जाते हैं तो हम ऐसे ही बात करते हैं, जैसे मान लो टंकी लेने गए तो हम ऐसे ही बात करते हैं, 5,000 लीटर की टंकी, ऐसा ना बात करेंगे, 5 करोड़ सेंटीमीटर क्यूब की टंकी, वॉल्यूम में बात नहीं करेंगे, है ना, कैपेसिटी की बात हमेशा कैसे करेंगे, लीटर्स में करेंगे, समझ गए, क्लियर। तो वैसे उसने क्लियर कर दिया इन लीटर्स, लेकिन इन एग्जाम अगर इन लीटर्स क्लियर ना हो, लेकिन क्वेश्चन कैपेसिटी का हो, तो आप लीटर्स में ही निकाल के आएंगे, उसको कंपलसरी पार्ट मान के चलिए। तो वॉल्यूम निकालना है, जैसे बोलो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों का वॉल्यूम ऐड कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, यही करना है, चलो तो सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम बोलो, बोलो पाई आर स्क्वायर, दोनों का रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम बोलो 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, तो क्या कॉमन आएगा इसमें, क्या बचेगा, ठीक है, पुट द वैल्यूज, पुट द वैल्यूज, पाई यानी कि 22/7, स्मॉल आर यानी कि 7 × 7, हाइट कितनी है, हाइट मतलब सिलेंडर की हाइट, हाइट मतलब किसकी हाइट है ये, क्योंकि हेमिस्फीयर की तो एज सच कंपोनेंट कोई हाइट होती ही नहीं है फॉर्मूला का, तो हाइट मतलब की हाइट होगी 6 और 2/3 × रेडियस वही 7, इसको सॉल्व करना है, 7 से 1 7 तो कैंसिल आउट हुआ, 22 7 जो होता है 154 इंटू, इसको करो सॉल्व, तो ये क्या हो गया 7 × 2 = 14/3, 6 + 14/3, 6 × 3 = 18 + 14 = 32, भाई 3 6 = 18, 18 में 14 जोड़े तो 32/3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो ठीक है, फिर अब इसको भी आप कैलकुलेटिव है ये भी, इसको भी करो सॉल्व, 154 × 32 कितना आएगा बताओ, क्या 49, पक्का चेक करो सब लोग, 4920 है क्या, कैसे होगा, 2 4 = 0 होता है क्या, 4928, भगवान ही मालिक, 4928 डिवाइडेड बाय 3, और ये किस में आ रहा है, सेंटीमीटर क्यूब में, उसने लीटर्स में मांगी है भाई, कैपेसिटी किस में मांगी है उसने,
लीटर्स में, तो लीटर्स में करने के लिए क्या करते हैं बताओ, थाउजेंड से डिवाइड, अभी अभी करके भी बताया था, 4928 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1000, अब ये इसमें आ चुका है, लीटर्स में आ चुका है। चलो तो 3 डेसिमल प्लेस लगा देना और 3 से डिवाइड कर दो, 3 बन जा 3, फिर 19 हो गया ये, 3 6 जा 18, फिर 12 हो गया ये, 3 4 जा 12, फिर क्या बचा 8, 3 2 जा 6, और 3 डेसिमल प्लेस लगाओगे तो 1.642 लीटर्स अप्रॉक्स। ठीक है, 1 पॉइंट, आगे डेसिमल प्लेस सॉल्व करने की जरूरत ही क्या, वैसे भी 3 डेसिमल प्लेस से ज्यादा तो वैसे भी नहीं लिखोगे, तो बस 3 से 4928 को डिवाइड कर दो, जहां पे भी खत्म होता है 3 0 नीचे लगे हुए वहीं सही, 1 2 3 यहीं पे डेसिमल लगा दो, 1.64, कोई डाउट नहीं है। चले लास्ट क्वेश्चन पे, कर दूं डिलीट, ओके कर दूं ना, कोई डाउट, लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आ जाइए। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, तो ये हमने लास्ट में जाते जाते किया था, वॉल्यूम इक्वेट करने का क्वेश्चन है, नंबर निकालने का क्वेश्चन, कैसे निकालते हैं नंबर, बड़े ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम को छोटे ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम से डिवाइड करके अपन नंबर निकालते हैं। तो कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं, सिल्वर कॉइन, सिल्वर कॉइन क्या होगा, सिलेंडर होगा, क्या होगा, सिलेंडर होगा, और उससे क्या बनाना है आपको, क्यूबॉइड बनाना है, सिलेंडर से क्या बनाना है, क्यूबॉइड, तो ऑब्वियसली क्यूबॉइड बड़ा ऑब्जेक्ट है और सिलेंडर जो है वो छोटा ऑब्जेक्ट है, तो कितने सिल्वर कॉइन्स चाहिए होंगे ये पता करने के लिए टोटल क्यूबॉइड के बक्से के वॉल्यूम को डिवाइड कर दूंगा मैं एक एक सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से, एक सिल्वर कॉइन के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने सिल्वर कॉइन्स हमको चाहिए होंगे। समझ आया, आ जाइए, तो नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स इक्वल टू नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन या वन कॉइन लिख दो। ठीक है, तो क्यूबॉइड तो क्या है, क्यूबॉइड तो क्या है, क्यूबॉइड ही है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, अब ये चेक कर लेना कि सब कुछ सेम यूनिट में होना चाहिए, देखो ये सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर, लेकिन ये मिलीमीटर में, तो इसको 2 mm को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.2 cm या 2/10 cm। ठीक है, तो ये कन्वर्जन करना पड़ेगा। चलो आ जाओ, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम बताओ, 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय ये क्या है, 3.5 है, 3.5, ये तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एज इट इज। अब कॉइन क्या है, सिलेंड्रिकल है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का मतलब 22/7, उसका रेडियस बताओ, तो उसका डायमीटर है 1.75, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, आधा 1.75/2 इंटू 1.75/2, ये हो गया रेडियस, और हाइट जो होगी उसकी वो थिकनेस मानी जाएगी, और थिकनेस क्या है, 2 mm, तो 2 mm का मतलब 2/10 cm। ओके, अब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी तो ये सेट हो चुका है, इसका आंसर जो भी इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, तो देखो उसको अब कैसे अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं, तो 7 से काट दो, 2 से 2 काटो पहले, तो 2 से ये 11 काटो, ओके देन 7 से इसको काटो, क्या आएगा, 7 2 जा 14, 0.72 जा 14, 7 5 जा 35। ठीक है, अब नीचे केवल क्या बचता है, 10, 10 को तो ऊपर पहुंचा देंगे, देखो एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5, ये तो ऑलरेडी ऊपर है ही थे, और ये जो 10 है इसको भी ऊपर पहुंचा दिया इंटू 10, नीचे क्या बचा, 11 इंटू 0.025 इंटू 1.75। ठीक है, हमने क्लास में से ये वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें अपन ने डेसिमल के अंदर ही काटना हमने शुरू कर दिया था, फिर मैंने कहा था कि हम चाहें तो डेसिमल सारे हटा सकते हैं एक साथ ही, कैसे हटाएं, देखो ऊपर कितने डेसिमल प्लेस हैं, एक दो, नीचे कितने हैं, चार, मतलब दो और दो चार, तो ऊपर अगर दो डेसिमल प्लेस है तो उसके 2 0 नीचे लगा दो, और नीचे अगर 4 डेसिमल प्लेस है तो उसके 4 0 ऊपर लगा दो, और सबसे डेसिमल हटा दो और आराम से सॉल्व करते हैं ऐसा काम। देखो फिर 5.5 को लिख दूंगा 55, उसमें कोई डेसिमल प्लेस है नहीं, 3.5 में 35 इंटू 10, 11, 0.25 का डेसिमल हटा दिया 25, 1.75 का डेसिमल हटा दिया 175, अच्छा ऊपर से कितने डेसिमल प्लेस हटाए आपने, दो, तो इंटू 100 नीचे लिख दो,
और नीचे से कितने डेसिमल प्लेस हटाए, 2 2 4 10,000 ऊपर लिखते। अब सॉल्व करने में आसानी होगी ना, अब बस आपको डेसिमल के अलावा बाकी पार्ट को सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0 भी हटा दो, 11 5 जा, 5 5 जा, 5 2 जा, 35 5 जा, 5 2 जा, दैट्स इट, 2 2 100 यानी 2 2 जा 4 400 पॉइंट। अच्छा नंबर का क्वेश्चन जब भी आएगा तो इट हैज टू बी ए नेचुरल नंबर, इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक नंबर का, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ सिल्वर कॉइंस, फाइंड द नंबर ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट, फाइंड द नंबर ऑफ कॉन्स, कॉन्स का भी क्वेश्चन था, तो वो इट हैज टू बी ए नेचुरल नंबर। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो समझ लेना हमने ही कोई ना कोई गलती करी है। इसका आंसर ऐसे नहीं आ सकता कि 400 1.5, भाई सिक्के कैसे होंगे 400 1.5, या तो 401 होंगे या 402 होंगे, आधा कैसे बनेगा सिक्का, देखा है कभी तूने? नहीं, हम क्यों काटे, आपने कभी कटा हुआ देखा है? देखा है? चलो तो लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, सीए से गाइस है, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद टू हेमिस्फेरिकल विद टू हेमिस्फीयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है, बीच में सिलेंडर, अगल बगल में हेमिस्फीयर, किया था ऐसा क्वेश्चन, किया था तो फिगर कुछ ऐसे था कि ये तो हो गया सिलेंडर, लेटा हुआ सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, और उसके अगल बगल में क्या है, उसके अगल बगल में क्या है, हेमिस्फीयर, है ना, तो हेमिस्फीयर लगा दो लाइक, ठीक है, तो इस तरीके से एक कैप्सूल है। आगे बढ़ते हैं तो और क्या क्या चीजें की मैंने, टोटल कैप्सूल की लेंथ कितनी है, 14 mm, और डायमीटर कितना है, अब देखो हर चीज एमएम में, तो फिर कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये भी एमएम में है, वो भी एमएम, आधी अधूरी चीजें होती हैं तो फिर कन्वर्ट करने की जरूरत थी, जब सब कुछ ही एमएम में है तो ज्यादा ज्यादा फाइनल आंसर कन्वर्ट होगा तो देखी जाएगी, अभी अपने को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो टोटल लेंथ कितनी है, 14 mm, और डायमीटर कितना है, 5 mm, पहले तो डायमीटर अगर 5 mm है तो डायमीटर से क्या निकालेंगे हम, ये हो जाएगी आपकी सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट सेंटर से सेंटर, और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा हमारा रेडियस, कितना है रेडियस, डायमीटर कितना है, 5, तो 5/2, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 mm, ओके, और टोटल जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो टोटल लेंथ कितनी है कैप्सूल की बताओ, 14 mm, एंटायर कैप्सूल की लेंथ। अब 14 mm लेंथ में से मुझे सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ निकालनी पड़ेगी, कैसे निकालोगे, देखो कई बार बता दिया फिर से बताते हैं, हेमिस्फीयर की रेडियस ही उसकी हाइट होती है, तो अगर ये 2.5 है तो ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 2.5, और यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट ये भी क्या हो जाएगा, 2.5, तो 2.5 2.5 यानी 5, 14 में से 5 तो ये लोग ही ले गए, तो 9 mm हो जाएगा हमारा इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक, समझ गए, बोलो, ये 9 mm हो गई आपके सिलेंड्रिकल पार्ट की लेंथ, सब कुछ आ गया। चलो अब आपको क्या चाहिए, फाइंड इट सरफेस एरिया, तो अब सरफेस एरिया के केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि जब बेस से बेस जुड़ेगा तो ना तो इसके बेस का सरफेस एरिया काउंट होगा ना उसके बेस का सरफेस एरिया काउंट होगा, तो अगर मैं इनको तीन टुकड़ों में बांट दूं, जैसे एक हेमिस्फीयर अलग, एक हेमिस्फीयर अलग, सिलेंडर अलग, और फिर सरफेस एरिया निकालूं तो ज्यादा निकलेगा, इसका सी एस ए निकलेगा, इसके इस बेस का एरिया निकलेगा, इसके इस बेस का एरिया निकलेगा, जो हेमिस्फीयर है उसका सी एस ए निकलेगा, उसके बेस का एरिया निकलेगा, इधर वाला हेमिस्फीयर है उसका सी एस ए निकलेगा, उसके बेस का, लेकिन जब तीनों को जोड़ दूं, तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो जो बेस से बेस चिपक गया उसमें ना तो इस बेस का एरिया निकलेगा ना ही इस बेस, क्योंकि वो छुप गया, ओके। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, शॉर्ट ट्रिक क्या है कि सबका सी एस ए जुड़ जाता है, बेस एरिया किसी का भी नहीं जुड़ता है, सबका क्या जुड़ता है, सी, मतलब इसको एक ऑथेंटिक फॉर्मूला मत मान लेना कि ऐसा ही होता है हमेशा, लेकिन 99% क्वेश्चंस में ऐसा ही हुआ था, हमारे जो हमको जो बुक में क्वेश्चंस की बनता, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है, बेस एरिया जुड़ के और केवल सी एस ए, तो टोटल कैप्सूल का जो एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, एरिया ऑफ द एंटायर कैप्सूल, हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, सी एस ए ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है, एंड ट्वाइस ऑफ, दो है ना हेमिस्फीयर, तो ट्वाइस ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, सही है, बेस एरिया किसी का भी नहीं जोड़ेंगे,
ठीक है, तो सी एस ऑफ सिलेंडर क्या होता है बोलो? टू पाई आर एच, टू इंटू सी एस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बोलो? टू सी एस ए, सी एस ए कह रहा हूँ, टी एस ए नहीं कह रहा हूँ, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर टू पाई आर स्क्वायर, थ्री पाई आर स्क्वायर इसका टी एस ए होता है, उसमें तो बेस एरिया भी आ गया ना, बेस एरिया नहीं चाहिए मुझे, ओनली सी एस ए चाहिए, तो टू इंटू टू पाई आर, और दोनों का रेडियस सेम है तो स्मॉल आर रख सकते हैं। क्या कॉमन आया? टू पाई आर यहाँ से कॉमन आया, यहाँ से क्या बचा? एच, और यहाँ से एक टू बच गया और एक आर बच गया। चलो वैल्यू पुट अप कर दो, टू इंटू 22/7, रेडियस कितना है? 5/2 या 2.5, कुछ भी रख सकते हैं। हाइट कितनी है? हाइट मतलब सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कितनी है? 9 प्लस 2 इंटू, और रेडियस वही 5/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 9 और 5 14, सो इट इज लाइक 2 से 2 ये भी कट गया। क्या बचता है देखो, 22 × 5/7, ये तो बाहर रखे हुए, और 9 + 5 14 यहाँ से निकल गया है, 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, 22 × 10 220 mm² ठीक है, क्लियर है? और कोई डाउट है चैप्टर से रिलेटेड? बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द कमिंग क्लास, ओके? ठीक है, अच्छा, देख ये तो होगा ही नहीं, 3 पीस होता ही नहीं, 3 पीस होगा ना, देख 1 2, और अगर स्टेप को भी हटा दूं, 3 टुकड़ों में नहीं होना चाहिए, नहीं नो ये हो जाएगा, 2 टुकड़े ही है ना, एक टेप हटा दूं, 2 टुकड़े, 3 पीस की 0 वैल्यू होती है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे।